दीपक भदौरिया, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से जो कि रायपुर से, जहां पर महर्षि वाल्मीकि वार्ड 32 में पुनर्मतदान। आपको बता दें बूथ क्रमांक 7 में ये मतदान के दौरान विवाद हो गया था, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। स्थानीय लोगों ने शारदा का घेराव किया। शाम 5 बजे तक होगा पुनर्मतदान। महर्षि वाल्मीकि वार्ड 32 में पुनर्मतदान हो रहा है। बूथ क्रमांक 7 में मतदान के दौरान ये विवाद की स्थिति पैदा हुई। बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए। शाम 5 बजे तक होगा ये पुनर्मतदान। अधिक जानकारी के साथ संबंधित जुड़ गए हैं सत्या राजपूत। सत्या, क्या पूरा मामला था? देखिए बता दें कि ये वहाँ आज पुनर्मतदान हो रहा है। 21 तारीख को मतदान हुआ था, जहाँ पे मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण उसमें फिर से मतदान हो रहा है। लेकिन आज मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ और पुलिस को मौके पुलिस जब टीम पहुंची तब जाके दोनों पक्ष को कंट्रोल किया गया है। हालात वहां बिगड़ते देख एडिशनल एसपी और वहां के जो थाना प्रभारी है तत्काल मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाले। ठीक इसी दौरान वहां स्थानियों ने जो बीजेपी के पार्षद थी उनका विरोध करने लग गया, वहां पे धरना प्रदर्शन की स्थिति बन गई थी। तो इसको देखते हुए तत्काल मौके पर सेक्टर निर्वाचन अधिकारी पहुंचे और वहां पे पुलिस बल पहुंची, फिर मामला कंट्रोल में आया। तो इस तरह वहां पे अभी भी गर्मा गर्मी की स्थिति बनी हुई है और वहां पे जो जवान है तैनात किए गए हैं। फिलहाल मतदान जारी है, मतदान अभी प्रभावित नहीं हुआ है और मतदान प्रतिशत का बात करें तो लगभग 50% मतदान वहाँ हो चुका है। सत्य, के पहले से प्रशासन ने यहाँ पर माकूल इंतजाम नहीं कर रखे थे? पहले भी वहाँ जवान तैनात थे लेकिन वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी तो उसको कंट्रोल करना है। जो चुनाव सेक्टर में जो जवान तैनात किए जाते हैं दो चार उतना वहाँ पे मौजूद थे लेकिन जितना जरूरी था वो नहीं था वहाँ पे। चलिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सत्या। लोगों की